दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले की वॉच लिस्ट में हमारे पास 3 स्टॉक थे। पहला था रिलायंस, दूसरा था इंडसइंड बैंक और तीसरा था हेवल्स, जिसमें से इंडसइंड बैंक और रिलायंस ने आज ब्रेकआउट दिया था। वैसे ब्रेकआउट का सिग्नल तो कल ही मिल गया था, लेकिन मान लीजिए कि आपने कल इसमें एंट्री नहीं ली और कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, तो आज भी अच्छा खासा इसमें लगभग 10-10, 11-11 पॉइंट दोनों स्टॉक में मिले हैं। और अभी फ़िलहाल कंडीशन में हेवल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं है, तो ये अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन में आ गया है। तो अब इसमें एक अच्छी मूव आएगी, तो इसको आप अच्छे क्लोजली वॉच करना, ताकि क्या है कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। इसमें कब बाई करना है, कौन से प्राइस पर सेल करना है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख लेना है। और अब हमारे पास कल के लिए 3 स्टॉक हो जाएंगे। एक तो रहेगा हेवल्स, दूसरा स्टॉक रहेगा REC। REC भी एक अच्छी रेंज में चल रहा है, जो कि एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो इसको आपको 110-11 के समथिंग, इसके जैसे ही ऊपर निकले तो आपको बाई करना है, और 105 के जैसे ही नीचे आए तो इसमें सेल करना है आपको। किस तरीके से ट्रेड लेना है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वॉल्यूम वाले और जो डेटा की हेल्प वाले जो दो सीरीज की पार्ट, दो पार्ट की सीरीज डाली है, उन दोनों वीडियो को देख लेना, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसमें ट्रेड लेना है। और तीसरा स्टॉक है हमारे पास बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को आपको बाई करना है 2909 के ऊपर और सेल करना है 2819 के नीचे। ये टोटल हमारे पास 3 स्टॉक है। और मान लीजिए कि इसमें फ़िलहाल कंडीशन में आपको समझ में नहीं भी आ रहा है ना, इतने अच्छे मूव होने के बावजूद आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा और इंतज़ार करिए। कुछ समय बाद क्या मैं लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड आपको लाइव बताया करूँगा, कब बाई करना है, कब सेल करना है, ताकि क्या है कि आप अच्छा खासा उसमें मुनाफा बुक कर पाएँ। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।